बना जो देवकी का सातवां गर्भ था वो गर्भ योग माया ने खींच करके रोहिणी के घर में प्रवेश कर दिया। इधर खबर फैल गई कि देवकी का सातवां गर्भ खंडित हो गया। और प्यारे श्रोता बंधुओं, जैसे ही आठवें गर्भ की बारी आई, आठवें गर्भ की जैसे ही बारी आई तो ध्यान देना मेरे श्रोता बंधुओं, ऐसा ही नहीं, आज इधर तो खबर फैल गई कि देवकी का सातवां गर्भ खंडित हो गया है। मेरे भैया आठवें गर्भ में स्वयं भगवान चले हैं, तो वसुदेव देवकी के पास जैसे ही चले हैं तो सबसे पहले देवकी, वसुदेव जब बैठे थे तो जेल की दीवार चमकने लगी, अद्भुत चमत्कारी हुई, समझ में ही नहीं आया। विचार करने लगे कि ये स्वर्ग मेरे पास आ गया या हम खुद स्वर्ग में पहुंच गए हैं। लेकिन खड़े होकर के प्रार्थना करने लगे, और जब प्रार्थना करने लगे तो जवाब दिया है वसुदेव देवकी ने, प्रभु आप, हम आपकी लीला नहीं जानते हैं, आप हमारे यहाँ पुत्र बन के जन्म लो। तो श्रोता बंधु, उसी समय भगवान छोटे से शिशु बने हैं, छोटे से शिशु बन के उसी समय देवकी की गोदी में आ गए हैं। और जब देवकी की गोदी में आए हैं तो थोड़ी थोड़ी रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही है। दिन बुधवार है, भादों का महीना है, रात के 12 बजे हैं। ऐसे समय में जब भगवान ने जन्म लिया है तो मेरे श्रोता बंधु, जैसे शिशु बन के गोदे में आए हैं तो मैया आज प्रार्थना करने लगी है, मेरे स्वामी से बोली है, भगवान का जन्म हुआ है। श्रोता बंधुओं, पहरेदार जो थे गहरी नींद में सो गए, गहरी नींद आ गई, उसी समय जेल के ताले टूट गए हैं। और जब जेल के ताले टूटे हैं किसी को पता नहीं चला है, उसी समय रात में ही वसुदेव ने सवरिया में भगवान को रखा है और लेकर के जाने लगे। और जैसे लेकर के जाने लगे, रास्ते में जब नक्शी मिली है,